देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। भाजपा के गढ़ में पहुंचा कांग्रेस का हाथ। अनुपमा सिंह ने कहा, विकास के लिए एक बार जरूर चुने। धनबाद विधायक राज सिन्हा के स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को चुनने के बयानबाजी के बाद जहां धनबाद की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं आज मंगलवार गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह का भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले हीरापुर में पहली बार रोड शो का होना, इसको लेकर कई राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह का मंगलवार हीरापुर के विभिन्न इलाकों में रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग अनुपमा सिंह के समर्थन में पहुंचा और विश्वास दिया, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और आप चिंता ना करें, इस बार हीरापुर की जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। बहुत अच्छा विचार किया है, लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर वर्ग के लोग भी आ रहे हैं। और ये महिला प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं तपती धूप में भी लोग हमारे साथ थे, युवा बुजुर्ग हर वर्ग के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बस इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। भगवान चौक पर भी अपने चुनाव में कुछ अपील करना चाहेंगे, कहाँ रहते हैं आपके द्वारा? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं इस दौरान कुछ लोगों के पास नहीं भी पहुंच पाई हूँ, तो मैं उन लोगों से यही निवेदन करूँगी कि इतने कम समय में लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, समझने का काम किया, तो यही आशीर्वाद मैं आपसे भी मांगूंगी। क्योंकि अगर आप विकास चाहते हैं, अपने धनबाद लोकसभा के विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, अपने युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं और महिलाओं के लिए अगर सम्मान चाहते हैं, तो मुझे चुनकर देखें।